जॾहिं खां तुंहिंजो दर्शन थियो आहे दिलि खे ॾाढो सुकून मिलियो आहे जॾहिं खां तुंहिंजो दर्शन थियो आहे दिलि खे ॾाढो सुकून मिलियो आहे करे तुंहिंजो दर्शन करे मुंहिंजो थो मन तोसां जिंदड़ी जुड़ी वई जो आहे तोसां जिंदड़ी जुड़ी वई जो आहे चुमी तुंहिंजा चरण गम विसरियो वञनि तोसां जिंदड़ी जुड़ी वई जो आहे तोसां जिंदड़ी जुड़ी वई जो आहे करे तुंहिंजो दर्शन ठरे मुंहिंजो थो मन तो ये है आजकल की सिचुएशन। मगर हम एक साल पीछे चले जाएं तो डू यू नो दैट क्या हुआ था? कर्क में मुश्ताइल अफराद ने मंदिर पर धावा बोल दिया। मुश्ताइल अफराद ने मंदिर को आग लगा दी और मंदिर गिरा दिया। रोक लो लूं तोड़ तोड़ के किसी ने और आपका ये मंदिर का हिस्सा ये वो कब्र है जो बिल्कुल अंदर से ही जला दिया गया। तो जी हाँ 30 दिसंबर को वहाँ के मकामी जानवरों ने, मैं तो कहता हूँ वो जानवर के नाने के भी लायक नहीं है क्योंकि जानवर में भी समझ होती है, वहाँ के एक मकामी 100 से ज़्यादा दरिंदों ने हमारे मंदिर पे हल्ला बोला और तोड़ फोड़ की, पूरा शहीद किया और शहीद करने के बाद उस मंदिर को आग लगा के जला दिया। तो 31 दिसंबर को क्या हुआ था आइए चलिए आपको दिखाते हैं। इतनी बड़ी वहाँ पर ये मॉब ने आकर जो तोड़फोड़ की, मंदिर जलाया गया, तो इसमें बिल्कुल ये नजर आ रहा है कि हुकूमत इनके पीछे थी। हमारी समाधि है, सिर्फ मंदिर नहीं है, बार बार जो मंदिर की बात की जाती है, समाधि मीन्स मज़ार। और उस मज़ार को जिस तरीके से सबूताज किया गया, फायर किया गया, बेहरमती की गई, एक तो बहुत ही ज़्यादा हमें जो है इस चीज़ का जितना दुख है, मैं समझता हूँ ये रिपेयरेबल नहीं है। तो जी हाँ 31 दिसंबर को हमारी कम्युनिटी ने प्रेस क्लब ऑफ कराची के आगे एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक मतलब लोगों की मजवा जमा हुई वहाँ पे, एक हमने मतलब धरना लगाया। देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे भी धरना प्रोटेस्ट हुआ। देन 1 जनवरी को हमारे पाकिस्तान की मतलब रियासत जागी और मतलब स्पेट नोटिस लिया। और फाइनली 4 जनवरी को जो हमारा मंदिर शहीद हुआ था टेढ़ी के पी के में, तो उसको रिकंस्ट्रक्शन का दिया था। वजीर आला KP महमूद खान का करक में मंदिर दोबारा तामीर कराने का ऐलान। कहते हैं सूबाई हुकूमत मंदिर की दोबारा तामीर को जल्द यकीनी बनाएगी। मंदिर की दोबारा तामीर के मुतालिका हुकाम को अहकाम जारी किए गए। फ्रॉम पाकिस्तान नाउ आफ्टर आउटरीच ओवर द वैंडलिज्म इन द खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस इन पाकिस्तान ऑफ अ हिंदू टेम्पल जस्ट अ फ्यू डेज अगो।
The government there has now announced that they will reconstruct that temple that was razed to ground by an angry mob on Wednesday. The Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa province has now issued instructions for that reconstruction, is what we are given to understand. मगर हम नहीं चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे, इस भाई साहब की आप वीडियो खुद ही देख लें। तो बताऊंगा तो किस तरह हम उनसे ज्यादा मोहब्बत वतन है। 7 महीने से ये मसला चल रहा था, मैंने अपने लोगों को सख्ती से मना किया था, तो इस मसले को अपने आप में भी सोशल मीडिया पे शेयर न करो। अगर ये आगे बढ़ जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया में चला जाएगा, तो हमारे वतन अजीज की इंसल्ट होगी, अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ खाते हैं, यहाँ में इज्जत मिली है और यहाँ मरेंगे। तो जी हाँ, हम ये हरगिज़ भी नहीं चाहते, क्योंकि हम मतलब अपनी धरती माँ से, हम अपने प्यारे मुल्क वतन पाकिस्तान से बहुत बहुत प्यार करते हैं, मगर वहाँ के जो लोग हैं शायद हमारे हिंदू से प्यार नहीं करते, सिर्फ दिखावा है, मगर अंदर से बिल्कुल। सो यही था, हम यही सोच रहे थे, हम मतलब अपने लोगों को मना कर रहे थे कि मतलब इतना ज़्यादा शेयरिंग वगैरह नहीं करो, कि ये वर्ल्ड वाइड पे अगर ये चली गई वीडियोस वगैरह, मतलब एक मतलब मज़हब की तोहिन की जा रही है, तो हमारे इनको तो कुछ नहीं होगा, इन दरिंदों को कुछ नहीं होगा, मगर हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की बदनामी होगी। तो क्या हुआ, बस फेसबुक में तो सोशल मीडिया पे एक चलती है, तो मगर हमारी मीडिया 2 दिन तक, मतलब जब अटैक हुआ था तो कुछ भी नहीं दिखा रहे थे, खामोश थे, मगर फेसबुक पे सोशल मीडिया पे आ जाती है तो बस भाई। तो सोशल मीडिया से चलते 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 तो प्रेशर पड़ा उन मीडिया पे, आप क्यों नहीं दिखा रहे हो, तो मीडिया ने दिखाया। मगर फिर भी पाकिस्तान से ज़्यादा अगर आप सर्च करोगे अटैक ऑन टेरी टेम्पल, भले आप यूट्यूब पर सर्च कर लें, पाकिस्तान की मीडिया से ज़्यादा बाहर की इंडिया की मीडिया ने दिखाया है, हमारे वर्ल्ड वाइड के जो मतलब अंग्रेज़ों के चैनल है उन पे दिखाया गया है, मगर पाकिस्तान के कुछ गिने चुने चैनल पे दिखाया। तो हेलो जी, वाहेगुरु, नमस्ते, हेर सोनू लखवाणी एंड वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल। तो ये जो मैंने आपको स्टार्ट में कुछ सीन दिखाए, ये थे मतलब 1 साल पहले जो हमारा अटैक हुआ था। तो अब जो हमने मतलब 2 मंथ पहले जो नवम्बर में दिवाली हुई थी, वो चीफ जस्टिस का बहुत बढ़िया शुक्रिया, जो हमारे मतलब सेलिब्रेशन इवेंट में वो आए, तो हमारे साथ बहुत खुशी हुई। तो यही है आज का व्लॉग, पर उससे पहले, व्लॉग से पहले मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ टेडी टेंपल और श्री परमहंस महाराज के, थोड़ा जो कुछ भी पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट स्टोरी देन व्लॉग। श्री परमहंस स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, आल्सो नाउन एज श्री परमहंस दयाल महाराज जी, आप इंडिया के शहर छपरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में पैदा हुए सन 1846। आपके पिता का नाम श्री तुलसीदास जी पथक था। आप पहले गुरु, फर्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ श्री परमहंस अद्वैत मत, आप SSTN के पहले गुरु थे। आप बचपन से ही ज्ञान में बहुत लगाव था। अपने पुस्तक से लेके अगर दूसरे मज़हब के पुस्तक पे चले जाएं उनसे भी, लाइक हमारे जो पुस्तक श्री भागवत गीता एंड रामायण एंड श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का बहुत मतलब आप तालीम रखते थे, उनके अलावा कुरान पाक के भी आपके पास बहुत तालीम आती। देन आप फर्स्ट गुरु ऑफ SSTN कहते हैं, तो आपके मतलब फॉलोअर्स बहुत, मुरीद बहुत ज़्यादा हो रहे थे। देन आप सन 1904 टेहरी पाकिस्तान में पधारे, वहाँ तकरीबन 15 साल आपने वहाँ ज़िंदगी का सफ़र कठोर किया। देन 1919 में आपने आराम मतलब शहीद फरमाया, सिंधी में जमना चोलो मटाया गया, और आपकी समाधि टेरी कैपी के पाकिस्तान में है। तो जैसे कि हमारे सिखिज़्म में 11 पातशाही है, गुरु नानक से लेके एंड 10वां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, देन 11वां पातशाही जो अभी हाजरा हजूर है वो है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। तो ऐसे ही SSTN की भी 6 पातशाही, 6 गुरु हैं। तो आइए चलिए आपको उनके नेम बताते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ SSTN के 6 गुरु, जो 6 पातशाही हैं, उनके नेम्स। अगर आपको फुल हिस्ट्री जाननी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना।
पहली पातशाही का नेम है श्री श्री 108 श्री परमहंस स्वामी जी। सेकंड पातशाही का नेम है श्री श्री 108 श्री स्वरूप आनंद जी महाराज जी। थर्ड पातशाही का नेम है श्री श्री 108 श्री वैराग आनंद जी महाराज। फोर्थ पातशाही का नेम है श्री श्री 108 श्री बेंत आनंद जी महाराज। फिफ्थ पातशाही का नेम है श्री श्री 108 श्री दर्शन पूरन आनंद जी महाराज। सिक्स पातशाही का नेम है जो अभी हाजरा हजूर है श्री श्री 108 श्री विचार पूरन आनंद जी महाराज एंड वी आल्सो कॉल दाता दीन दयाल जी महाराज। तो ये थे श्री आनंदपुर के सिक्स पातशाही के नेम्स। और आपकी समाधि टेरी में 1919 से है मगर किसी को भी पता नहीं था। देन जो पाकिस्तान की जंग हुई थी देन आहिस्ते आहिस्ते जो हिंदूज थे टेरी के मतलब जो आसपास के रहने वाले उनको पता चला। देन आहिस्ते आहिस्ते हमारी कम्युनिटी कोस्तान को पता चला। तो वो भी कुछ बचे गुने मतलब मंथ में सिर्फ एक बार जाते थे कोई मतलब आरती वगैरह करके वापस आ जाते थे। मगर वो गुरु नानक कहते हैं ना करतार जो भी करता है भले के लिए करता है। 30 दिसंबर को मतलब हमारे कोस्तान से कुछ जा रहे थे लोग हम अपना जो न्यू ईयर है अपने महाराज के साथ अपनी महाराज की समाधि पे सेलिब्रेट करें। मगर उन धरिंदों ने न्यू ईयर से पहले ही हमें 30 दिसंबर को एक बड़ा सदमा दिया। देन शायद अगर वो मतलब तोड़ फोड़ नहीं करते तो ये आज ऐसी एस्टब्लिश ऐसे मतलब दिवाली सेलिब्रेशन नहीं होते। तो आइए अब चलते हैं व्लॉग की तरफ। आइए आपको समाधि और पूरा टेरी टेंपल दिखाते हैं। सो कीप विथ अस लास्ट तक वीडियो देखना और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलिए चलते हैं व्लॉग की तरफ। हेलो जी नमस्ते अस्सलाम वालेकुम हैरिस सोनू लखवानी वेलकम टू माय दिस व्लॉग। तो आज की कहानी बहुत ही बहुत सब व्लॉग से अलग है। तो आज की कहानी है टेरी मंदिर इन केपी के पाकिस्तान। कुछ मंथ्स आपने न्यूज़ भी सुनी होगी यहाँ पे बहुत हमला हुआ था हमारे मंदिर को जलाया गया था। तो फाइनली जो PM है चीफ जस्टिस है उन्होंने मतलब नोटिस लिया मंदिर को फिर तामीरात करवाया। तो अभी मंदिर बहुत अच्छा बन चुका है। तो हमारी कहानी तो स्टार्ट हैदराबाद से और आपको इस मंदिर का पूरा आपको विजिट भी करवाएंगे। सो हमारे साथ बनी रहेगा। सो कीप इट अप। आज सबको बधाई हो राजे मेरे सच्चे पातशाह जी देख देख करते हैं नजर निहाल जी जब मुस्काते हैं मेरे श्याम सबको बधाई हो जब मुस्काते हैं मेरे श्याम सबको बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आए हैं जी
दर्शन मां पीके की वादियों में छा गई बहार है। चीफ जस्टिस आपका दिल से इस्तकबाल है। मैनी रिटर्न ऑफ दी डे दिवाली मना रहे, मैनी रिटर्न ऑफ दी डे दिवाली मना रहे। करने में तो एक पल न लगा, उन्हें भुलाने में कई जमाने लगे। और बाबा जी फरमाते हैं, याद करने में तो एक पल न लगा, उन्हें भुलाने में कई जमाने लगे। बाद मरने के वो आए सफदर, आंखें खोलो के वो मनाने लगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। के पीके की वादियों में छा गई बहार है। जस्टिस आपका दिल से इस्तकबाल है। मैनी रिटर्न ऑफ दी डे दिवाली मना रहे, मैनी रिटर्न ऑफ दी डे दिवाली मना रहे। खुशियाँ मनाएंगे, झूमेंगे गाएंगे, मिलके प्रेमी सारे फूल बरसाएंगे। आए हैं टेढ़ी दरबार हमारे चीफ जस्ट। दिवाली मन जस्टिस का।
शुभ मुहूर्त करने, श्री भेड़ी मंदिर का शुभ मुहूर्त करने, बाजार में चीफ जस्टिस आए मुहूर्त करने, वाह 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 वाह। आओ आज करे स्वागत हम चीफ जस्टिस का, आओ आज करे वेलकम चीफ जस्टिस का, आओ आज करे स्वागत हम चीफ जस्टिस का, आओ आज करे स्वागत हम चीफ जस्टिस का, आओ आज करे वेलकम चीफ जस्टिस का, आओ आज करे स्वागत हम कुरुवरेण्यम सत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, यो यो न प्रचोदयात्, यो यो न प्रचोदयात्, कर्ता पुरुष निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत। गुरु जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ, ये आपको बुलाया था। तुझे राम कहूं या श्याम कहूं, ईश्वर कहूं यार, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद साहब। दिवाली मुबारक। और इस दिवाली के मौके पे मेरा इस मंदिर और समाधि पे होना मेरे लिए बड़ी खुशी का मकाम है। मुकद्दस जगह है, हर इंसान को अपनी मुकद्दस जगह से प्यार होता है और किसी को इसका इख्तियार नहीं है वो किसी की मुकद्दस जगह को कोई भी नुकसान पहुंचाए। आप लोग को दोबारा मुबारकबाद देता हूँ, मंदिर की मुबारकबाद देता हूँ। इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान जीने पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीने पाकिस्तान, जीवे जीवे। हमारे मौजूद मेहमान को सुकून से रास्ता दे दी। जाने वाले हमारी महफिल से, जाने वाले हमारी महफिल से, चांद तारों को साथ लेता जाए, जाने वाले हमारी महफिल से, चांद तारों को साथ लेता जाए, हम खिजा से निभा कर लेंगे, तू बहारों को साथ लेता जाए। आओ आज करे स्वागतम चीफ जस्टिस का, आओ आज करे वेलकम चीफ जस्टिस का, आओ आज करे स्वागतम चीफ जस्टिस का, आओ आज करे वेलकम चीफ जस्टिस का, श्री ठेड़ी मंदिर का शुभ मुहूर्त करने, और रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, आया है।
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। ता सबरी गुरमुखन के अजो के सबागे दिए जूं इंडियारी जे शुभ त्योहार जूं श्री परम दयाल जे सुंदर पवित्र प्रतिमा विराजमान थियण जूं ता सबनी गुरमुखन के लख लख वाधायूं अथव। सरद की सब वादियों में जिनकी चलती हवाएं, डेरा गाजी करक पिशावर में है जिनकी फिजाएं, आनंदपुर के राजा है वो डेरी के कहलाए। परमहंस है, परमहंस है, परमहंस है, प्यारे परमहंस है, मेरे सच्चे गुरुदेव है हरामाले। तो जी हाँ, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। ये हमारी दिवाली की सेलिब्रेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और इस दिवाली की सेलिब्रेशन के बाद हमें एक और खुशखबरी मिलेगी कि हमारे गुरु महाराज सिक्स पातशाही ऑफ SSDN पाकिस्तान पधारे हैं, वो भी 82 ईयर्स के बाद। फिर क्या हुआ, सिंदरी लगे पई अज श्री आनंदपुर। रात को एयर कराची एयरपोर्ट पे पहुँचे, दैन कराची से आप टेरी बधारे। 24 नवंबर आप टेरी समाधि जो है श्री परमहंस महाराज के वहाँ पधारे। दैन 24 नवंबर रात को हैदराबाद सिंध पाकिस्तान में आपका स्वागत और वेलकम किया गया। तो आइए कुछ दिखाते हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को दुल्हन। रोक सको तो रोक लो, हम रुक ना पाएंगे, रुक ना पाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, श्री गुरु महाराज का दर्शन पाएंगे, दर्शन पाएंगे, मदर विलेज जाएंगे। नई व्या थक सारा 82 सालन जो इंतजार जो खत्म, आयो श्री गुरु महाराज। धूल तमाम शरणा इन सा स्वागत सुनू कंदासी। कविकते गुलड़ा चटाए वेलकम सुनू कंदासी, जूमी नची जूमर पाए बल्ली कार चवंदासी, अधी हथड़ासी सिनवाए आसी सपाई दासी। शेरी गुरु मारा आया पाकिस्तान बाबा, धरती सिंध जी हो पाए पंजा बा। ये लगातार 5 दिन मेला चला, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26, 27, 28 देन 29 हमारे जो कराची वालों को खुशखबरी मिली कि 20 नवंबर को कराची आ रहे हैं। तो उसका भी मैंने एक व्लॉग बनाया है, काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, देख लीजिएगा, मगर शॉर्ट क्लिप में आपको दिखा देता हूँ। सालन खास कहुई जा अचण जी पक हुई जा, सालन खास कहुई जा अचण जी पक हुई जा, थी वैया पुर सिंधड़ी लगे पई अज श्री आनंदपुर, सिंधड़ी लगे पई अज श्री आनंदपुर। सालन खास कहुई जा अचण जी पक हुई जा, थी वैया पुर सिंधड़ी लगे पई अज श्री आनंदपुर, सिंधड़ी लगे पई अज श्री आनंदपुर। तो जी हाँ, साईं जी कराची के बाद गए दुबई, देन दुबई के बाद वापस इंडिया पधारे। तो एक मंथ के बाद फिर हमें एक बड़ी खुशखबरी मिली,
रमेश कुमार पंकवानी को मेरा दोनों हाथों से सलाम है। उसकी सरबराई में एक बिल पास किया गया कि ये इन सबकी ख्वाहिश है कि ये रास्ते खुले। आज सबकी ये ख्वाहिश थी, श्री गुरु महाराज की ख्वाहिश थी, इसी वजह से आज ये डेलीगेशन वहां से आया है। मैं आगे नहीं जा रहा, इसी महीने के अंदर जहाँ से PIA का जहाज लेके डायरेक्ट दिल्ली में लैंड कर रहा है और वहाँ से दिल्ली से एयर इंडिया का जहाज लेके डायरेक्ट पिशावर और कराची में लैंड कर रहा हूँ। तो मजहबी मकामात के ऊपर पाकिस्तान की जो फैक्टूरिज्म एज है टेरी को भी एयरलाइंस आएंगी, पिशावर आएंगी, दैन पिशावर के बाद बसेस जो कार लोकल गाड़ियाँ देंगी टेरी में। तो एक मंथ के जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन आपको चलिए दिखाते हैं कि 200 से मजीद यात्री आए इंडिया से, देन ये भी बिल पास कराया गया कि पाकिस्तान से भी इंडिया जा सकते हैं। हर मंथ 200 आ सकते हैं और यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया जा सकते हैं। तो चलिए कुछ क्लिप्स आपको इंडिया के लोगों की दिखा देते हैं, वो तेरी समाधि में डांस वगैरह मौज मस्ती कर रहे हैं। तो तो जी हम उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये शॉर्ट एंट्री, आज का हमारा ये व्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो इंडिया में या कई मतलब इंटरनेट में एक पाकिस्तान को मतलब बहुत बदनामी हो रही है कि फिर भी हम कह सकते हैं वी आर सेफ इन पाकिस्तान। हमारी जो गवर्नमेंट पाकिस्तान है वो हमें बहुत तहफ़ देती है और हेल्प करती है। सो कुछ हैं लोकल एरियाज में के फोर्स कन्वर्जेशन करते हैं, ऐसे जैसे टेहड़ी के कुछ मतलब दरिंदे थे जैसे भोंग। तो काफ़ी सारे मंदिर ऐसे नहीं हैं मगर जितना दिखाया जा रहा है पाकिस्तान में, मगर अब हम सेफ हैं। सो वी लिव इन पाकिस्तान एंड सो वी लव पाकिस्तान। तो जी हाँ, यही था आज का हमारा व्लॉग। अगर आप लोगों को हमारा ये व्लॉग आज का जो डॉक्यूमेंट्री पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा।